8.5 एकड़ कसारा रेलवे स्टेशन से आधा घंटे पे, ये जो दिख रहा है ये जगह के पीछे डांबर रोड टच नहीं है, इधर से अंदर जगह है, पर जगह पूरी खेती वाली जगह है। पीछे चेक डैम है पानी वाला, पूरी खेती वाली जगह है। आप देख सकते हो पूरा इधर सब आजू बाजू सब फार्म हाउस बने हुए, इन्होंने भी केले का खेती का शुरुआत किया है। ये दोनों साइड खेती ही खेती है, आप देख सकते हो पूरा। ये जो गाये चल के आ रही है इधर से, ये रोड अंदर जाता है। एक ये गावडन का रोड है ये वाला, मगर अपन जो रोड है वो अलग से, दूसरा एक और रोड है। ये सामने गाड़ी खड़ी है, इधर से सीधा ये रोड कनेक्ट होगा जिधर से वो गाये चल के जा रही थी, ऐसा है। और इधर से ये सीधा रोड जगह तक जाएगा, आपको मैं वो साथ में लेके चलता हूँ वो भी। ये गायों को जाने देते हैं। ये देखिए ये जो रोड है, ये रोड डायरेक्ट आगे जगह तक जाता है। ये जगह के अंदर ये भी आता है थोड़ा ढला, ये भी आता है नीचे जाने के लिए, उतरने के लिए ढलान आता है पूरा जगह को। ये पेड़ के आगे से आगे जाएंगे, जगह पूरी लाल मिट्टी वाली है, जगह का खासियत है। इसके बीच में थोड़ा पत्थर वाली जगह आती है, मगर वो अपनी जगह नहीं है, वो रोड की जगह है। चीज़ें से ढलान नीचे उतरता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो नॉर्मली ऐसा कसारा स्टेशन से आधा घंटे पे ये वाली ढलान है जो आप देख रहे हो, नीचे मेरा आदमी उतर रहा है। तो ये सब JCP से करके दे सकते हैं हम लोग, उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा आपको। बाकी जगह बहुत सस्ती जगह है, ये कसारा रेलवे स्टेशन से खाली आधा घंटे पे। और सबसे बड़ी खासियत है खेती। ये देखो राइट में पानी का जमा हुआ दिख रहा आपको, ये बारिश में जमा हुआ रहता है। इसके पीछे वापस ये देखिए वाटरफॉल है पूरा पानी का, आपने देखा ये इधर पानी जमा हुआ रहता है, ये बारिश में रहता है। मगर जो जगह है 8.5 एकड़ उसके पीछे तो ऑलरेडी चेक डैम बाकायदा बना हुआ है, जो पानी अच्छा खासा रहता है उसके अंदर, अच्छा खासा पानी भरा हुआ रहता है। चलो अभी चलते अपन अपने आगे। ये आगे अपन नीचे उतर रहे और सामने पूरी खेती वाली जगह दिख रही है। इधर से जो लाल कलर का मेरा बंदा जा रहा है, इधर से ये जगह शुरू हो गई है। अपन जैसे नीचे उतरे इधर से जगह शुरू हो गई है। पूरा खेती का बाउंड्री किया हुआ जगह, आप मैं उसको नज़दीक भी जाऊंगा। पहाड़ है वो तो फॉग के अंदर ढक गए हैं, मगर बहुत मस्त जगह है। और हाँ, ये जगह का खासियत है कि ये जगह के बाजू में थोड़ा चल के गावटन भी है, ऐसा आजू बाजू तो है ही है। सामने दिख रहे पोल लगे हुए, वो भी खेती वाली जगह अपने अंदर आती है पूरी की पूरी। और उसके पीछे चेक डैम है, जो मैं गूगल लिंक आपको दूंगा, आप जूम करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि पीछे एक चेक डैम है पानी का गूगल लिंक के अंदर भी। तो दोनों साइड ऐसा ये जगह का है, सब साइड खेतियाँ खेती तो चालू ही है, और अपनी प्रॉपर जगह खेती वाली भी है अपनी भी। ये देखिए अपन अभी उसकी तरफ जा रहे हैं, ये देखिए पूरा खेती आप दिख रहे हो, पूरा का पूरा खेती है। वर्ग एक की जगह है, क्लास 1, नॉट क्लास 2। क्लास 2 7-12 ट्रांसफ़र होता है, मगर वो मार्केट में 50% लेस में मिलती है, ये लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है कि 7-12 अपने नाम पे हो गया मतलब आदिवासी जगह नहीं है, मगर ये गलत फहमी है। आप जब भी किससे भी जगह लो तो क्लास 1 क्लास 2 का ज़रूर देखना। और आपको अगर कोई भी ऐसा एक एडवाइस चाहिए फ्री ऑफ में, तो मैं आपको एडवाइस भी कर लूँगा, उसमें कुछ नहीं है। आपसे ब्लेसिंग लूँगा मैं उसका, क्योंकि वो ब्लेसिंग से मेरा आज भगवान के आशीर्वाद से इतना बिजनेस फैला हुआ है। कम से कम अपन ने खुद आज 225 एकड़ उधर एक्वायर करके रखा हुआ है अपने फैमिली के नाम से, इधर जगह पूरी की पूरी। वो हिसाब से आप देख रहे हो पूरा खेती वाली जगह है पूरी। और ये बाजू में अपने जगह के लेफ्ट मस्त अच्छा खासा वाटरफॉल है, ये खेती
के फ्लैप में सामने देखो, ये वापस मैं दिखा रहा हूँ, ये खेती है, इस पूरी टेबल लैंड अपनी जगह है, पूरी पूरी की पूरी जगह अपनी है, ये आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा जगह है ये। 8.5 एकड़ सिंगल पार्सल, कसारा स्टेशन से आधा घंटे पे बहुत कम मिलेगा आपको। ये वापस अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिधर से अपन आए थे नीचे उतरे थे। अच्छा खासा ये वाटरफॉल है छोटा सा बाजू में खेती के उधर, ये बारिश के मतलब ये अपनी जगह के एकदम बाजू में, जिसकी बाजू वाली खेती लगाए उनकी जगह है। और मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड जैसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप किधर भी करो, बैंक में पैसा सेफ नहीं है, गोल्ड आप रख नहीं सकते हो, मगर एग्रीकल्चर लैंड एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर आप जितना चाहिए उसको अच्छी तरह कमा सकते हो, उसके ऊपर फार्मिंग करके कमा सकते हो, बैठे बैठे एप्रिसिएशन होते जाएगा। मतलब मैं 18 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने अच्छा खासा रिटर्न्स कर लिया है, देख चुका हूँ। खाली एक ही है कि आपको एग्रीकल्चर लैंड अच्छी टाइटल क्लियर मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा है इसमें। थैंक यू।